गुज़श्ता दिनों धागे की फैक्ट्रियों गोदाम में लगी आग जिस पर कमोबेश 10 घंटे बाद काबू पाया जा सका। फैक्ट्री का रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने दौरा किया। आपने नुकसान पर ताज़ियत की, बेहतरीन नेमुल बदल के लिए दुआ की। साइट बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। जोरे तूफान है फंस गई जान है, अलमदद ना खुदा या रसूले खुदा। जोरे तूफान है फंस गई जान है, अलमदद ना खुदा या रसूले खुदा। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, एक और सानेहा बाबुल मदीना कराची में। पिछले दिनों आपने देखा होगा टिम्बर मार्केट में हमारे मुसलमान भाइयों का, ताजरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आज कराची की यान मार्केट, पॉलिस्टर यान मार्केट बिलखसूस, उसके एक बहुत बड़े गोडाउन में कल आग लगी और बहुत शदीद नुकसान हुआ। करोड़ा करोड़ रुपए के नुकसान से हमारे ताजिर भाई दो चार हुए हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, रब्बे करीम इन सब को इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए, सब्र भी अता फरमाए। यकीनन मेरे रब के ख़जाने बहुत बड़े हैं, वो जब चाहे, जिसे चाहे, जैसे चाहे अता फरमाए, वो चाहे तो गैब के ख़जानों से इनका नुकसान पूरा फरमाए। मैं यहाँ अपने नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा, दुनिया भर में आप जहाँ कहीं हैं, ये भी आपके भाई हैं, और मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के दुख में शरीक होता है। तो आपसे भी गुजारिश है, आप दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, इनके नुकसान के इजाले के लिए, इनके सब्र के लिए दुआ करें। और बिलखसूस यहाँ मैं तमाम ही ताजरान को ये एड्रेस करना चाहूँगा, अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ भी अपना स्टॉक रखें, जहाँ भी अपने दुकान हो, फैक्ट्रीज़ हो, वहाँ प्रॉपर आग बुझाने के आलात वगैरह का इंतज़ाम भी करें। कि बाज़ औक़ात ये छोटी सी आग जो शुरू होती है, ये घर के घर उजाड़ कर रख देती है। ना जाने इस आग की वजह से कितने लोगों का कारोबार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाए। बहरहाल हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब को इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए। अल्लाह इन परेशान हालों की गैब से मदद फरमा। ए अल्लाह, जिसका जो नुकसान हुआ है, हमने किताबों में पढ़ा है कि मुसलमानों को अगर कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो उन्हें उनके गुनाहों का कफ़ारा होता है, उनके दराजात की बुलंदी का सबब होता है। मेरे मौला, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के दराजात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह, तूने दिया था, अब ये तेरी ही रज़ा से वापस जा रहा है। ए अल्लाह, जिसका जो चला गया उससे बेहतरीन उसे अता फरमा। ए अल्लाह, गैब के ख़जानों से अता फरमा, सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जिन जिन को सदमा पहुँचा उनको सब्र और सब्र पर अजर अता फरमा। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, करोड़ों रुपए का माल था, चंद घंटों में राख का ढेर बन गया। आग भी क्या चीज़ है कि क्या कुछ जलाकर राख कर देती है। दुनिया की आग ऐसी है तो जहन्नम की आग कैसी होगी। अल्लाह ताला हमें दुनिया की आग से भी और जहन्नम की आग से महफूज फरमाए। हमें ये दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ज़वाले नेमत से बचाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम भी ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिन ज़वाली नेमतिक। अल्लाह हमें ज़वाले नेमत से बचा। ये नेमतें हाथों से फ़ौरन चली जाती हैं, हमें नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत अफसोस है कि इन बेचारों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनकी तकलीफ़ देखी, आंखों से नज़र आ रही है, चेहरे से नज़र आ रही है। ये धागा था और धागा जलकर राख हो गया है।